कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है। दो इस बच्चे की गुद्दी पे और दो इसकी मम्मी की गुद्दी पे अभी दो थप्पड़ रसीद कर देने चाहिए। खजुए, साइंस की क्लास चल रही है यहाँ। हैं गूदर के कीड़े, साइंस की क्लास चल रही है यहाँ। पता बाबा को भी झाट कुछ नहीं है, पर बोलेगा क्योंकि अब तो सेमिनार में इतने सारे लोग बैठे, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। महाराज जी, बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। लो भरी सभा में बाबा की उतार दी। ये है आज के बच्चे, झुको तो चड्डी उतार दे पीछे से। नेक्स्ट। हरी सुंदरता से प्यार किसी को नहीं होता, प्यार आपको बिहेवियर से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। और जया किशोरी जी के ज्ञान को तो सत सत प्रणाम। इनका ज्ञान वो ये जो सरकारी स्कूल की दीवारों पे लिखा होता है, या कुछ ऐसी सरकारी दीवारों पे लिखा होता है जहाँ गुप्त रोग का इलाज कराए, उतना ही ज्ञान है इनका। जया किशोरी जी का दिमाग उस बच्चे के जितना है जिसके भी मूछें भी नहीं आई है। तो जया जी, आप किसका चूतिया बना रहे हो? उन सास का जो घर में बैठी है सारा दिन दोपहर को टीवी देखती है, जिनकी बहुएं काम करती है। अभी जो चला है ना गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड का व्यवहार, भगवान बचावे हमारी इस नई पीढ़ी को, बहुत ये गंदी भावना है। जब उम्र है, लड़के लड़कियों से बातचीत नहीं करेंगे, मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे, तो चीजें हवा ही रहेंगी। फिर यही लड़के लड़कियों से बसों में चिपकते हैं, क्योंकि औरत का शरीर तुमने उनके लिए बना दिया कोई मंगल ग्रह की चीज। क्योंकि आदमी का नेचर ऐसा ही है, जिस काम से तुम उसे दूर लेके जाओगे वो उतना ही उसके पास आएगा। लड़के और लड़कियों को साथ साथ बड़ा होने और 90% बेवकूफियां विदा हो जाएंगी। तो छोड़ दो, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइफ। किसी और से, परसों किसी और से, तो हमारा प्रेम वो प्रेम सच्चा नहीं होता। जया किशोरी जितना ज्ञान तो मैं सोते सोते दे दूं। प्यार क्या है? एक भाव है, जिसे नफरत एक भाव है। तो क्या जिंदगी भर आप एक इंसान से नफरत करते हैं? नहीं करते ना। जब जिंदगी में एक ही इंसान से नफरत नहीं कर सकते तो एक ही इंसान से प्यार कैसे करें? प्यार भी भाव ही है यार, अलग अलग से होगा। आज इससे एक साल बाद किसी और से हो जाएगा, या फिर आज इससे परसों ही किसी और से हो जाए। तो ये भी भ्रांति पैदा की गई कि अगर प्रेम है तो एक से ही होगा, अगर प्रेम है तो निश्चित ही अनेक से होगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ। प्यार तो तुम्हारे चरित्र के अंदर होता है, कोई आपके पास से निकले, आपसे बात करके जाए, तो उसको लगना चाहिए कि भाई हाँ।